हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर हरमन जीरा। दोस्तों, जदों दी मैं आपदे ओपीडी वाले कमरे बाहर पर्ची लाई आ भी मैं अंदरों ही सरकारी अस्पताल चो दवाइया फ्री दिना है, बाहरले स्टोरां दी मैडिकल स्टोरां दी नहीं लिखदा। सो मुश्किलां उस दिन दियां ही वध गईयां सीगियां ते बाकी लोगों नूं जागरूक करन दा काम मैं सोशल मीडिया ते भी शुरू करता सी। एक बड़ा वधिया प्लेटफॉर्म इहदे नाल बहुत सारे लोगों तक गल पहुँच जाती आ। सो महकमे वालों विभाग वालों तंग परेशान करना उदों ही शुरू हो गया सी, विच्चों कई वारी बदली भी हुई आ, पर हुण तां इन्हां ने कह लो भी जिले तो ही बाहर सुट्टता, अमृतसर जिले तो। सो कई भरा ये भी कहिंदे आ भी तुसीं इत्थे भी सेवा करदे सी, सगों वधिया जिथे भी जाओगे सेवा ही करोगे। भरा वो तुहाडी गल बिल्कुल सही आ, मैनूं कोई परेशानी नहीं कि इत्थे भी मैं लोगों की सेवा करदा सी उत्थे भी करूँगा, पर इस जिले विच अमृतसर जिले विच जिहड़े कमिशन खोर सी जिन्हां दे दवाइयां ते टैस्टां पिछे धंधे चलदे सीगे, लोकां नूं लुटदे सी कमिशनां पिछे, उहनां दी दोस्तों ये जित होई आ। जां जिहड़े हस्पताल मैं काम करदा सी, जां जिहड़े मेरे जिले विच कमिशन खोर आ, ये उहनां दी जित आ। उहनां नूं मैं रड़कदा रहिंदा सीगा, उह नहीं चाहुंदे सी वी इह साडे जिले च रहि के आवाज़ चक्के काम करे ते साडे धंधियां नूं रोक के बंद करावे। सो मन बड़ा उदास आ क्योंकि ये एक इमानदार बंदे दी हार आ ते चोरां दी कमिशन खोरां दी रिश्वत खोरां दी ये जित होई आ। सो सरकार अगे भी यही बेनती आ भी इस मैटर वल जरूर ध्यान दिता जावे क्योंकि मेरी गलती दसी जावे, मेरी गलती की आ, किहड़े कारण मैनू जिला ही मेरा बदल दिता गया है। सो दोस्तों, वीडियो नू वध तों वध शेयर करियो ते बाकी मैं तुहानूं पहलां भी दसदा रहिंदा भी जिहड़ी मैं आवाज़ चक्कदा ऐं तुसीं आप हिसाब ला लो, सिर्फ एक मौड़ मंडी दे SMO साहब आ जिहड़ियां मेरियां पोस्टां जिहड़े शेयर करदे आ, जिहड़े मैनूं फोन ते भी शाबाश दिंदे भी तूं बहुत वधिया काम कर रहा है। ते दोस्तों, तुसीं आप हिसाब ला लो भी किन्ने % डाक्टरां दी गिणती आ उह जिहड़ी इमानदार आ, किन्ने डाक्टर आ जिहड़े दवाइयां ते टैस्टां पिछे कमिशन नहीं लैंदे, सिर्फ आपदी सरकारी तनखाह ते गुजारा करदे आ। दोस्तों, मैडिकल माफिया बहुत वड्डा माफिया है, तुहानूं सुण च लगदा होना भी 5-10 हज़ार कमीशन लै लैंदे होणे की जांदा, पर दोस्तों जे 1 लख तनखा है तां मंथली घट्टो घट 1.5-2 लख कमिशनां दा ही बन जांदा है, जिहड़े प्राइवेट स्कैन सेंटरां तों आउंदे आ जां दवाइयां दे मैडिकल स्टोरां चों आउंदे आ बाहरलियां दे ते बाहरलियां लैबोरेटरियां तों आउंदे आ। सो तनखावां तां इह वरतदे ही नहीं होणगे जिहड़े कमिशनां दे धंधे करदे आ, ते अफसोस दी गल इह आ वी बहुतात डाक्टरां दी इह धंधियां ते टिकी होई आ। सो इह इक बहुत वड्डा कौड़ा सच आ वी असीं सरकारी कुर्सियां ते बहि के वी कमिशनां दे धंधे करदे आ। सो मैं कल्ला कमिशनां खिलाफ़ नहीं बोलदा रहा, जिहड़े महीने चलदे हस्पतालां 'च उहनां खिलाफ़ वी आवाज़ चुकदा रहा है। सो जिहड़े आ गलत 26 दे परचे डाक्टर बणाउंदे उहनां खिलाफ़ वी आवाज़ चुकदा रहा है। सो ये सारे कासे का जिहड़ा खमियाजा है वो भुगत रहा है ते अगे भी भुगतना पै रहा। कई लोग ये भी कमेंट करते भी तू चुप करके आपदा नौकरी कर क्यों पंगे लेना। दोस्तों, गल नौकरी दी नहीं गी, जदों इमानदारी दा जिहड़ा कह लो भी नशा है वह सिर चढ़ जाए ना, वह उतरदा नहीं हुंदा छेती। सो ये मेरे वस की गल नहीं गी, इन्हां लोकां खिलाफ मैं बोलदा ही रहूँगा, चुप नहीं रह सकदा क्योंकि ये मेरे वस नहीं गा, मैनू जरे नहीं जाते लोग जिमें मैं नहीं इन्हों जरिया जाता, उवें ही ये चोर ठग जदों चोरियां करते कुर्सियां ते बह के मेरे तो वेखे नहीं जाते। सो ये आवाज़ मेरी इदा ही बुलंद रहूगी। सो ये मेरी वीडियो अगे वध तो वध शेयर करो, शायद कोई राह मिल जाए ते सरकारां तक भी गल पहुंचे भी असलियत की आ, जमीनी पद्धर ते की हो रहा। दोस्तों, मैनू कोई परेशानी नहीं, अमृतसर भी नौकरी करदा सीगा, इधों बाहर जाके भी नौकरी करूँगा, वह कोई गल नहीं, पर की जिहड़े सच नाल लोग खड़दे आ उहनां नाल यही कुछ लिखिया होया, उहनां नाल यही कुछ होना है कि हुण इह जिहड़े कमिशन खोर आ चोर आ कि इहनां दा ही बोलबाला रहूगा पंजाब 'च। सो एक सोचण वाली भी गल आ, एक बड़ी कह लो भी शर्मनाक भी गल हैगी आ भी एक इमानदारी नाल जिहड़ा बंदा काम कर रहा तुसीं उहनूं वार वार तंग परेशान क्यों कर रहे हैं, जदकि 15 अगस्त 26 जनवरी ते
ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਜੇ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।